ये बैंड बाजा किसी शादी समारोह में नहीं बल्कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की प्रतिष्ठित सूची में फायर के जगह बनाने के बाद इसके संस्थापक प्रतीक गौरी और प्रतीक द्विवेदी जब दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका गर्म जोशी से स्वागत के लिए बजाए जा रहे हैं। कहते हैं अगर मन में कुछ करने की चाह हो तो सितारे भी आपका साथ देते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है फायर के संस्थापक और CEO प्रतीक गौरी ने अपने साथी प्रतीक द्विवेदी के साथ मिलकर। दोनों ने मिलकर $100 मिलियन जुटाए और यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। बता दिए कि फायर जो कि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है UK स्थित समूह SRM और MRM के सीरीज ए फंडिंग में 100 मिलियन की राशि पाई है। इसी के साथ ही 1.5 मिलियन वैल्यूएशन की फंडिंग ने Web3 स्टार्टअप यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। इस मौके पर फायर के संस्थापक बेहद खुश नजर आए। तो जहाँ पे प्रतीक और मैं मिले थे गुड़गांव में एक शॉप है, वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हमें 100 करोड़ लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेटर करनी है। तो उसके लिए हमें समझ में आया कि अगर हम ब्लॉकचेन की एक कंपनी बनाते हैं तो उससे बहुत इजी होगा उसे स्केल करना। हमने जब बनाया था तो हमने तभी सोचा था कि एक साल के अंदर हमें यूनिकॉर्न स्टेटस हिट करना है, मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग $1 बिलियन कंपनीज बनानी है, मतलब 8,000 करोड़ की कंपनी एक साल से नीचे करनी है। तब जिस जो भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ता गया उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, चाहे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत रहा, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज का सपोर्ट बहुत रहा। हमारी आज टीम 110 लोग की हो चुकी है, उनका सपोर्ट बहुत रहा। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पेरेंट्स का जो ब्लेसिंग और सपोर्ट है वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि जब हम जर्नी शुरू कर रहे थे तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि हम ये कर पाएंगे। प्रतीक गौरी और प्रतीक द्विवेदी को इस बीच बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने अपनी यात्रा एक चाय की दुकान से शुरू की, लेकिन दोनों ऐसा करने के बारे में सोच रहे थे जिससे 10 करोड़ लोगों को कम से कम फ़ायदा तो मिले ही और ब्लॉकचेन कंपनी इसका उत्तर थी। इन्हें यकीन था कि एक साल के भीतर ये यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। जो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती $अरबों की कंपनी में से एक है और अपनी मेहनत और अपने सरकार की मदद से दोस्तों के प्यार से फायर ने पहले अल्फावेट, मार्शलैंड कैपिटल, लॉन्च पूल लैब्स, मुंड्रॉक कैपिटल और अन्य जैसे निजी और संस्थागत निवेशकों दोनों की भागीदारी के साथ 110 मिलियन के मूल्यांकन पर अपने सीड राउंड में 21 मिलियन जुटाए थे। आज भारत को अपना परिचालन केंद्र बनाते हुए कंपनी विभिन्न क्षेत्रों और 3 महाद्वीपों एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में विस्तार और उद्यम करने की योजना बना रही है। फायर भारत का 105 यूनिकॉर्न है जिसे इस साल प्रतिष्ठित 1 बिलियन वैल्यूएशन प्राप्त हुआ है। देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।